नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोलर पैनल में लीकेज करंट क्या होती है, कैसे जनरेट होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता है सोलर पैनल बनाने के टाइम पे अगर हमारी कोई बस बार या उसकी जो स्ट्रिंग है जो पैनल में हम अपने चांदी के तार वगैरह जो यूज ये जो यूज होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, अगर कभी भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनमें प्रॉपर लेमिनेशन ना हो तो क्या होता है कि ये जो करंट पूरी हमारी इन सारे सेलों से कलेक्ट होकर के यहाँ पे आई तो ये क्या होते हैं कि आगे जो हमारा जंक्शन बॉक्स है, आपका जंक्शन बॉक्स में ना जा कर के ये जो हमारा इसका फ्रेम है, इस फ्रेम की ओर को फ्लो होने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अंदर यहाँ पर लेमिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से क्या हुआ है कि बारिश के टाइम पे या जो अपन पैनल की सफाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मॉइस्चर जा रहा है, मतलब जो अपना ग्लास, ईवीए सीट, सोलर सेल, ईवीए सीट और बैक सीट है, ये प्रॉपर आपस में लेमिनेट नहीं हुए तो क्या हो रहा है कि यहाँ साइड से इसके अंदर मॉइस्चर जा रहा है और मॉइस्चर जाने से जो हमारा पैनल के जो वोल्टेज हैं वो वोल्टेज सीधे सीधे इस साइड को फ्लो ना होकर के वो यहाँ पर लो रेजिस्टेंस का पाथ पा रहे हैं और सीधे पैनल के फ्रेम के साथ में फ्लो हो पैनल के फ्रेम की साइड में फ्लो हो जा रहे हैं। इस कारण से क्या, और देखिए ये देखिए कितना गजब का यहाँ पे अंदर स्पार्क हुआ है हाई वोल्टेज के कारण से और हाई करंट फ्लो हुई है। और यहाँ पे देखिए हल्का सा आपको ये काई टाइप का कुछ दिख रहा होगा हरा, तो ये यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर गया हुआ है। तो इस तरह के सोलर पैनल को लेने से आप बचें। जो भी सोलर पैनल आप परचेज करें वो किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का और एक अच्छे डीलर से ही परचेज करें, क्योंकि ये जो ये सारे सोलर पैनल अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये टीना सोलर एक इंटरनेशनल ब्रांड है और बहुत ही अच्छे सोलर पैनल इनके होते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये सोलर पैनल रिजेक्ट हो गए, जिस कारण से टीना सोलर ने इनको स्क्रैप करने के लिए दे दिया। अब स्क्रैप वाले ने इन पैनलों को किसी वेंडर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को भेज करके पार्टी को भेज दिए। इस तरह से ये पैनल यहाँ पे आके लग गए और अब इनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन कस्टमर को तो लॉस हो गया और जिस डीलर से इन लोगों ने परचेज किए थे वो डीलर भी इस समय मार्केट में कहीं नहीं है, गायब हो गया है। तो अब ये है कि ये पैनल कुल मिलाकर टोटल बेकार है और कस्टमर का जो पैसा है वो पूरा वेस्ट हो गया है। तो इस तरह के धोखे से आप लोग बचें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।